हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मित्र पे। तो मैं महेश ज्योति स्वागत करता हूँ आपकी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2021 में जो पीएम आवास योजना में उसमें जो नए अपडेट्स आए हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप 2 से 2.5 लाख का फायदा उठा सकते हैं। है कैसे अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं, नया घर बनवाने की सोच रहे हैं, तो उसमें आपको पीएम आवास योजना के तहत उसमें लोन मिल सकता है, आप उससे 2 से 2.5 लाख रुपए का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। प्रधानमंत्री आवास योजना 2021 ऑनलाइन फॉरम अप्लाई, पीएम आवास योजना के लिए कैसे करें आवेदन, पूरी जानकारी इस वीडियो में है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा आप। अंत में आपका कोई भी सवाल होगा उसे कमेंट में कीजिए। अगर वीडियो कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में कि आपके तमाम सवालों की जानकारी मैं इसमें दे सकूं, अगर फिर भी कोई सवाल रह जाए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा। पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना कि मैं बात कर लूं, यदि आप खुद का घर खरीदना या बनाने का सपना देख रहे हैं या फिर होम लोन के लिए सोच रहे हैं, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपके द्वारा लिए गए होम लोन में आपको 2 से 2.5 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। पहले ये योजना केवल गरीब वर्गों के लिए थी, लेकिन अब इसमें 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले मध्य वर्ग को शामिल किया गया। तो इसमें बड़ी अपडेट क्या आई है, पहले ये जो योजना थी सिर्फ गरीब वर्ग के लिए थी, लेकिन अब इसमें जो है 12 लाख तक की इनकम वाले मध्य वर्ग को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लूँ, इस योजना की शुरुआत 2015 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो चलिए जो लेटेस्ट अपडेट आया उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के माध्यम आय वर्ग को घर बनवाने या अधिग्रहण के लिए हाउसिंग लोन के ब्याज दर पर सब्सिडी दी जाएगी। मतलब सब्सिडी दी जाएगी आपको, मान के चलिए, एक मैं एग्जांपल पेश करता हूं आपके सामने। मान के चलो कि होम लोन की ब्याज दर जो है 9% है, हम बात कर लें कि आप 9% है होम लोन की ब्याज दर, तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये 5% ही चुकानी होगी। अगर आप, मैं आज मान के चलूं कि होम लोन की जो ब्याज दर है वो 9% है, तो आप अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अप्लाई करते हैं तो आपको उसकी जो दर है वो 5% ही चुकानी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। 6 लाख रुपए की सालाना आय वालों को 6 लाख रुपए तक का होम लोन मिल सकता है। जिनकी आय, वार्षिक आय 6 लाख रुपए है, उनकी सालाना आय 6 लाख रुपए है, उनको 6 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ब्याज की दर पर सरकार की तरफ से 6.5% की सब्सिडी, यानी करीब 2,67,000 रुपए तक की बचा सकते हैं आप, यानी सरकार की तरफ से आप बचा सकते हैं 2,67,000 रुपए तक। अब बात कर लेता हूं, जिनकी आय 12 लाख रुपए सालाना है, यानी वार्षिक इनकम 12 लाख रुपए है आय वालों को 9 लाख रुपए तक का होम लोन मिल सकता है, और ब्याज की दर 4% होगी, और सब्सिडी जो उन्हें मिलेगी वो 2,35,000 रुपए तक की होगी। 12 से 18 लाख रुपए की सालाना आय वालों को 12 लाख रुपए तक का होम लोन मिल सकता है, और ब्याज दर उस पर 3% होगी, और सब्सिडी जो आप मिलेगी, आपको 2,30,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसमें अधिकतम, ये जो अधिकतम लोन की सीमा की मैं बात कर लूं, अधिकतम ये लोन आपको 20 साल तक के लिए मिल सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, सुन लीजिए दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए व्यक्ति स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकता है। अप्लाई करने के लिए उसके पास मान्य आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और इसका ऑनलाइन आवेदन आप जो पीएम आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे से कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा। लास्ट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। अगर ऑफलाइन आवेदन की बात कर लूं कि मैं इसका, आप ऑफलाइन आवेदन किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी के माध्यम से आप इसका ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
वहां पर उपलब्ध फॉर्म भरकर स्कीम के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं आप। मतलब सीएससी पर जाइए, वहां पर जो फॉर्म है उसको भरिए और इसका आप वहां से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां से इसका ऑनलाइन आवेदन हो सकता है। अब पीएम जो प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट, सुन लीजिए दोस्तों ध्यान से कि आपको क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। आपके पास सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए, पात्र व्यवहार का पता यानी आपके पास रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए, कोई भी आपके पास रेजिडेंशियल प्रूफ में राजस्थान की बात कर लूँ, वोटर आईडी की बात कर लूँ, मैं भी मूल निवास प्रमाण पत्र की बात कर लूँ, जहां पर आप हैं उसका आपका एक पता मतलब एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपने को आयकर बनवाना पड़ेगा, जिसके नाम से आप ये फॉर्म अप्लाई करेंगे उसका आयकर आपको बनवाना पड़ेगा, जितनी भी आपकी सालाना मासिक आय है। बैंक खाते की पासबुक आना चाहिए, आपका जो भी कोई भी बैंक में अकाउंट होना चाहिए उसकी पासबुक आपके पास होनी चाहिए। फोटोग्राफ होनी चाहिए आपके पास, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, दो फोटो पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं इसकी, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इससे जुड़ी हुई और तमाम जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएगी। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों ये थी पीएम आवास योजना, जहां से आप 2 से 2.5 लाख रुपए का फायदा उठा सकते हैं अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख तक है तो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि तमाम जो गरीब वर्ग के लोग हैं इस योजना का फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो को अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।